हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सुपीरियर स्पाइडरमैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऑटो ऑक्टेवियस पीटर की बॉडी को टेक ओवर करने के बाद होराइजन लैब्स में मौजूद कुछ विलन से लड़ने लगता है, लेकिन उनसे एक बार हार जाने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस उनसे लड़ने के लिए एक नया प्लान बनाता है। और जब दूसरी बार उसकी मुलाकात उनसे होती है तो वो बूमरैंग नाम के विलन को काफी बुरी तरह से मारने लगता है और यहाँ तक कि उसे जान से मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन तब हमें ये चीज पता चलती है कि उसके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं पीटर की कॉन्शियसनेस मौजूद थी, जो उसे बूमरैंग के जान लेने से रोक देती है। इसके बाद वो मैरी जेन को पाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी जेन इस बात को समझ जाती है कि पीटर के साथ कुछ प्रॉब्लम है और ऑटो ऑक्टेवियस वहां भी अपने मकसद में फेल हो जाता है। लेकिन मैरी जेन जब यही चीज कार्ली को बताती है तो उसके दिमाग में एक बार फिर से वही चीज चलने लगती है जो ऑटो ऑक्टेवियस ने कुछ समय पहले उससे कही थी, और वो इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचने लगती है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर के मेयर हॉल के सामने होती है, जहां पर इस वक्त जे जोना जेमसन, जो न्यूयॉर्क शहर का मेयर बन चुका था, वो एक स्पीच दे रहा था। लेकिन तभी अचानक वहां पर स्क्रूबॉल और जेस्टर नाम के दो विलन्स आ पहुंचते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्क्रूबॉल और जेस्टर दरअसल में स्पाइडरमैन के काफी छोटे छोटे विलन्स थे, जो हर किसी पर प्रैंक्स करना पसंद करते थे और इसी चीज को वो लोग सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट भी करते थे। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों मिलकर मेयर और उसकी सिक्योरिटी टीम को काफी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं, और इतना ही नहीं, वो लोग इस चीज को सोशल मीडिया पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से जे जोना जेमसन का इस पूरे शहर में एक बहुत बड़ा मजाक बन जाता है। और इसी चीज को देखने के बाद जेमसन सुपीरियर स्पाइडरमैन को वहां पर बुला लेता है। जब से ऑटो ऑक्टेवियस ने पीटर की बॉडी को टेक ओवर किया था, तब से उसके और जेमसन के बीच में रिलेशंस काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके थे, क्योंकि जेमसन को सुपीरियर स्पाइडरमैन के काम करने का तरीका काफी ज्यादा पसंद था। और उसे वहां पर बुलाकर जेमसन उससे कहता है कि जेस्टर और स्क्रूबॉल दोनों ने ही जेमसन को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया था, और ये सुपीरियर स्पाइडरमैन का फर्ज बनता था कि वो उन दोनों को इसकी सजा दिलवाए। और जेमसन की बात मानकर ऑटो ऑक्टेवियस अपने स्पाइडर बॉट से जेस्टर और स्क्रूबॉल को ढूंढने के लिए कहता है। ऑटो ऑक्टेवियस अब इस चीज को समझ चुका था कि मैरी जेन और उसके बीच में अब कुछ नहीं हो सकता, और इसी वजह से उसने अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला कर लिया था। हालांकि पीटर की कॉन्शियसनेस इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि वो ऑटो ऑक्टेवियस को ना तो मैरी जेन के करीब जाता हुआ देख सकता था और ना ही वो ये चाहता था कि मैरी जेन उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे। लेकिन पीटर की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी, और इसी वजह से ऑटो ऑक्टेवियस अपनी लाइफ के साथ अब मूव ऑन करने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक उसके स्पाइडर बॉट्स उसे बताते हैं कि उन्होंने जेस्टर और स्क्रूबॉल को ढूंढ निकाला था, और ये सुनने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस अपनी कॉस्ट्यूम को पहनकर उनके पीछे जाने लगता है। जेस्टर और स्क्रूबॉल वहीं से थोड़ी दूर बैठकर अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहे थे, और वो लोग इस बारे में सोच रहे थे कि इस बार उन्हें किसको प्रैंक करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक ऑटो ऑक्टेवियस वहां पर आ पहुंचता है, जो उनसे कहता है कि जेस्टर और स्क्रूबॉल दोनों ही अब अंडर अरेस्ट थे। लेकिन स्पाइडरमैन को देखने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और अपने कैमरास को ऑन करके लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपना नया शिकार मिल चुका था। ऑक्टेवियस उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों को स्पाइडरमैन से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो उन दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अगर वो चाहता तो उन्हें काफी आसानी से हरा सकता था। लेकिन जेस्टर और स्क्रूबॉल दोनों ही उसकी एक नहीं सुनते और एक के बाद एक उस पर प्रैंक करना शुरू कर देते हैं, और ये सब कुछ पूरी की पूरी दुनिया लाइव स्ट्रीम पर देख रही थी। ऑटो ऑक्टेवियस उन्हें एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसके ऊपर कई सारे पेंटबॉल्स की बरसात कर देते हैं, जिनमें से एक उसकी आंखों पर आकर चिपक जाती है और उसे अपनी आंखों से कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। वो जैसे तैसे अपने मास्क को फाड़कर अपनी आंखों से एक बार फिर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे नजर आता है कि जेस्टर और स्क्रूबॉल वहां पर खड़े हुए उस पर हंस रहे थे। और ये देखने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है। वो उनसे कहता है कि लोगों को ह्यूमिलिएट करने में उन्हें मजा आता था तो ठीक है, क्योंकि वो भी उन्हें उन्हीं का ट्रीटमेंट देने वाला था। और ये कहने के बाद वो उन्हें अपने वेब से बांधकर वहां से उठाकर दूर फेंक देता है, और इससे पहले कि वो दोनों उसके उस अटैक से रिकवर कर पाते, वो अपने क्लॉस को निकालकर एक के बाद एक उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। जेस्टर और स्क्रूबॉल स्पाइडरमैन के छोटे विलन्स थे,
और उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो लोग स्पाइडरमैन का सामना कर पाए। वो लोग स्पाइडरमैन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस उनकी एक नहीं सुनता। वो एक के बाद एक उन पर अटैक करता जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद इस दुनिया का एक एक इंसान जो स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों को जानता था, वो काफी ज्यादा हैरानी में पड़ जाता है। और इसी के साथ साथ पीटर का कॉन्शियस भी एक बार फिर से जाग उठता है, जो अपनी आंखों से देखता है कि जेस्टर और स्क्रूबॉल काफी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनके शरीर की कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी और वो दोनों ही लगभग मरने वाले थे। और यही चीज देखने के बाद पीटर पार्कर वहीं पर बैठ जाता है और ऑक्टेवियस से कहने लगता है, ओ माय गॉड डॉग, ये तुमने क्या किया। लेकिन इस बार भी ऑटो ऑक्टेवियस उसकी बात को नहीं सुन सकता था। और ये सब कुछ होने के बाद उसी रात जब ऑटो ऑक्टेवियस अपने बेड पर सो रहा था, तब उसी के दिमाग में मौजूद पीटर की कॉन्शियसनेस एक बार फिर से जागती है और वो सोचने लगता है कि जब से ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन बना था, उसने स्पाइडरमैन को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। उसने कई सारे विलेंस को काफी बुरी तरह से घायल किया था। और इतना ही नहीं, पीटर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि ऑटो ऑक्टेवियस अब इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। और यही चीज सोचने के बाद पीटर को ध्यान आता है कि वो भी ऑटो के दिमाग में मौजूद है। भले ही वो उसके सबकॉन्शियस पार्ट में हो और अपनी बॉडी को कंट्रोल ना कर सकता हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने की कोशिश तो कर ही सकता था। और ये सोचने के बाद वो फोकस करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके उसका हाथ हिलने लगता है। वो जैसे तैसे वहीं पर रखे हुए एक पेन को उठाता है और उससे एक मैसेज लिखने की कोशिश करता है। और काफी देर तक कोशिश करने के बाद उसे ये चीज रियलाइज होती है कि वो अभी भी अपने दिमाग के लैंग्वेज सेंटर को एक्सेस नहीं कर सकता था, और इसी वजह से वो अपने हाथ से किसी भी लैंग्वेज को लिख नहीं सकता था। और तभी अचानक ऑक्टेवियस की स्पाइडर ऐप बज उठती है और पीटर समझ जाता है कि अगर ऑटो ने उन शब्दों को देख लिया तो उसे पीटर के अपने दिमाग में होने का अंदाजा लग सकता था। और इसी चीज को सोचते हुए पीटर अपनी सारी ताकत का यूज करता है और उस हाथ को एक बार फिर से हिलाकर उस डायरी को वहीं से नीचे गिरा देता है। ऑटो ऑक्टेवियस अपने फोन को चेक करता है और उसे अपनी स्पाइडर ऐप से पता चलता है कि आर्डेल स्टोरेज यानी कि बोनयार्ड में एक ब्रेक इन हुआ था और कोई सुपर विलन वहां पर पहुंचकर कुछ लूटने की कोशिश कर रहा था। और वहां पहुंचने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस देखता है कि वो शख्स दरअसल में कार्डियक था। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कार्डियक दरअसल में एक विजिलांटी है, यानी कि वो एक ऐसा एंटी हीरो है जो हमेशा ही सच्चाई का साथ देता है। लेकिन ऑक्टेवियस वहां पर आकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसके जमीन पर गिरने के बाद वो कार्डियक से कहता है कि ऑक्टेवियस सिर्फ 3 तक गिनेगा और अगर इतनी देर में कार्डियक ने सरेंडर नहीं किया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये सुनने के बाद कार्डियक उस पर पलटकर अटैक करने की कोशिश करता है और सुपीरियर स्पाइडरमैन अपने क्लॉज को निकालकर एक बार फिर से उस पर जानलेवा अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक उसके अंदर मौजूद पीटर पार्कर जोर से चिल्लाता है, वहीं पर रुक जाओ। और ऑटो ऑक्टेवियस का शरीर अपने आप ही रुक जाता है। उसे ये चीज समझ भी नहीं आती कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर कार्डियक उस पर अटैक करता है और वहां से भाग निकलता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस सोचने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा था। लेकिन तभी उसके एवेंजर्स कार्ड पर एक अलर्ट आता है और उसे देखने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस एवेंजर्स टावर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात थॉर, कैप्टन अमेरिका, वोल्वरीन, ब्लैक विडो और स्पाइडर वुमन से होती है। ऑक्टेवियस उनकी तरफ देखकर उनसे पूछता है कि उन लोगों ने इतनी रात को उसे वहां पर क्यों बुलाया था। लेकिन एवेंजर्स उससे कहते हैं कि वो पिछले काफी समय से स्पाइडरमैन के एक्टिविटीज को देख रहे थे और वो लोग स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों को ही काफी अच्छे से जानते थे और उन्हें पता था कि जिस स्पाइडरमैन को वो लोग जानते हैं वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। और वहीं पर मौजूद पीटर उससे कहता है, दैट्स राइट डॉग, तुम पकड़े गए, अब यहां से बचने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऑक्टेवियस इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उनसे कहता है कि इतनी रात को वो एक बेवकूफ नहीं था जो उनकी बकवास बातें सुनने के लिए इतनी दूर आया था। वो एवेंजर्स उससे कहते हैं कि जो कुछ भी पीटर कर रहा था वो सारे के सारे एक्शंस उसके नहीं थे और इसी वजह से उन्हें उसका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा। लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उनसे कहता है कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने का उनका कोई हक नहीं था। और ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक कैप्टन अमेरिका उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करता है और ऑटो ऑक्टेवियस उसके हाथ को पकड़ता है और उसे उठाकर फेंक देता है। और ये देखते साथ ही वहां पर मौजूद सारे के सारे एवेंजर्स अपने वेपन्स को निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑक्टेवियस उनका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन वो एवेंजर्स उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग थे।
और एक ही झटके में वो सारे के सारे एवेंजर्स उसे बेहोश कर देते हैं और उससे कहते हैं कि ये वाले एक्शन स्पाइडरमैन के बिल्कुल नहीं थे। और इसके कुछ ही देर बाद जब ऑटो ऑक्टेवियस को होश आता है तो वो अपने आप को एवेंजर्स की एक काफी हाईटेक मशीन के नीचे पाता है और वो देखता है कि एवेंजर्स उसका एक फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे, जिसके कुछ ही देर बाद वो सब लोग उसे बिठाकर उसके रिजल्ट्स बताते हैं और उससे कहते हैं कि सारे के सारे टेस्ट करने के बाद उन्हें ये चीज पता चली थी कि स्पाइडरमैन एक स्क्रल नहीं था और इसके साथ ही साथ वो स्पेस फैंटम, पपेट मास्टर और पर्पल मैन किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। और ये सुनने के बाद वहीं पर मौजूद पीटर को एक भयानक शॉक लगता है और वो उनसे कहता है, व्हाट, बस इतना ही? लेकिन इसी के साथ साथ ऑटो ऑक्टेवियस अपने ब्रेन वेव्स को देख लेता है और उसे समझ में आता है कि उसके दिमाग में एक एनोमली थी, यानी कि एक ऐसी ब्रेन वेव जिसे उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए था। और इस पूरे रूम में सिर्फ ऑक्टेवियस ही इतना स्मार्ट था कि वो उस ब्रेन वेव को समझ पाए। और ये देखने के बाद एवेंजर्स उससे कहते हैं कि वो फिलहाल के लिए तो वहां से जा सकता है, लेकिन स्पाइडरमैन को ये बात याद रखनी होगी कि एवेंजर्स उसे पूरा समय देख रहे थे। लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में इससे भी ज्यादा बड़ी चीज दौड़ रही थी। और वो अपनी लैब में पहुंचने के बाद अपने न्यूरोलिटिक स्कैनर को निकालता है और अपने सिर के ऊपर पहन लेता है। वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि एवेंजर्स को हराकर उसने एक बहुत ही बड़ा काम कर लिया था और अब उसका रास्ता रोकने वाला सिर्फ एक ही शख्स था। लेकिन ये सुनने के बाद पीटर उससे कहता है, ऑलराइट डॉक, इस चीज की आदत मत डालो। मैं मानता हूँ कि तुमने एक विक्ट्री अचीव कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान लूंगा। मैं किसी भी तरह अपना शरीर तुमसे वापस लेकर रहूंगा। लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि वो उसे ऐसा कभी नहीं करने देगा। लेकिन ये सुनकर पीटर हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है, तुम मुझे सुन कैसे सकते हो? तुम्हें पता है मैं यहाँ हूँ? जिसके जवाब में ऑक्टेवियस उसे बताता है कि वो इस बात को समझ चुका है कि उसके दिमाग में मौजूद एनोमली दरअसल में पीटर ही है। और अब वक्त आ चुका था कि ऑक्टेवियस उसे पूरी तरह से अपने दिमाग से बाहर निकाल दे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस यूनिवर्स में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमिक वर्स का पार्ट बनिए। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, जो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। और तब तक के लिए आप मेरे बाकी के वीडियोस को देखकर एंजॉय कर सकते हैं और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।